Hello student, in today's video we will learn how to make a factor tree. In last video we learned how to find out the factors and common factors. तो आज हम सीखेंगे कि factor tree कैसे बनाते हैं, factor tree method से कैसे हम factors find out करते हैं. And for this let's take an example. We have a number 24. तो जो 24 नंबर है हम उसको सबसे पहले 2 से चेक करते हैं कि कैन वी डिवाइड 24 बाई 2 एग्जैक्टली. इफ़ यू नो इट वेरी वेल, अदरवाइज यू कैन डिवाइड इट रफली. हम एक रफली डिवाइड करके देख लेंगे 24 को 2 से, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आवर आंसर इज 12 एंड रिमाइंडर इज 0. सो इट्स मीन 24 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12. इन दिस वे वी विल ड्रॉ टू लाइन्स, हेयर वी विल राइट 2 एंड हेयर 12. नाउ अगेन वी विल चेक फॉर 12 कि 12 को क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. इफ यस देन हाउ वी विल राइट, अगेन वी विल ड्रॉ दीज टू लाइन्स एंड वी विल राइट 2 6 जा 12. Now we will check for 6. Again we will check it for 2. Here 2 and 3. It's mean 2 3 ja 6. We can write 6 in this way. 2 3 ja 6. Then we will check for 3. 3 ko hum kaise likhenge? 3 ke alawa 3 aur kisi se divide nahi ho sakta. So we will write here 3 multiply by 1. 3 1 ja 3. इस तरीके से ये जो बनता है एक ट्री की शेप जैसा बनता है, तो इसको हम फैक्टर ट्री बनाते हैं बोलते हैं. और इस तरीके से हम इसके ये फैक्टर्स ऐसे लिखते हैं. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फिर से अपना नंबर 24 हमें मिल जाता है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24. सो इन दिस वे वी मेक अ फैक्टर ट्री. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. We have 30. Again, we will check it for 2. If you know, then very well. Otherwise, again, हम divide करके देखेंगे. 2 से हमने इसको divide किया, तो हम देख सकते हैं कि completely divide हो जाता है. Our answer is 50. So, we can write it 2 15 जा. वैसे भी आपको मालूम है even number है, और कोई भी even number 2 से divide हो जाता है. Now, we will चेक फॉर 15. हम 15 को स्प्लिट करेंगे. जैसे यहाँ हमने 30 को स्प्लिट किया 2 15 जा, यहाँ हम 15 को स्प्लिट करेंगे. तो देखिए क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ओड नंबर है. ठीक है, फिर हम इसको 3 से चेक करेंगे. क्या 3 से ही डिवाइड हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 की टेबल में? यस, 3 5 जा 15. नाउ वी विल ट्राई टू स्प्लिट 5. 5 को कैसे करेंगे? इट इज़ ऑड नंबर, सो 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं हो सकता, एंड 5 से. 5 बन जा 5. तो इन दिस वे वी फाइंड आउट दीज फैक्टर. दीज आर 30. 30 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 5. 2 3 जा 6, 5 जा 30. हम इनको प्राइम फैक्टर्स भी कहते हैं. फैक्टर ट्री से हमने जो ये निकाला है ये प्राइम फैक्टर्स भी कहलाते हैं. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर जिनको हम आगे और स्प्लिट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल 30 के फैक्टर्स, वैसे तो हमें मालूम है कि 30 के फैक्टर्स और क्या क्या होते हैं. 2 होता है, 3 होता है, एंड 5 है, 6 भी होता है, एंड देन 10 है, एंड 15 है, एंड देन 30. लेकिन ये क्या है, इनको तो स्प्लिट कर सकते हैं ना. 2 3 जा 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3. इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 5 जा 10. ओके, एंड 15 को लिख सकते हैं 3 5 जा 15. इन दिस वे वी कैन स्प्लिट दैम 3 10 जा 30. ओके, और बट ये जो हमारे फैक्टर ट्री से हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं, ये जो फैक्टर्स आते हैं इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते फिर से. तो ये फैक्टर्स हमारे कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स. ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स.
तो हम फैक्टर ट्री से जो हमने फैक्टर्स निकाले ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं और इस तरीके से हम फैक्टर ट्री बनाते हैं. ओके, होप ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्टर ट्री. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.